नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम आए हैं आपके पास। बिहार सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस को उनके पद से हटा दिया है और उन्हें कहें जो योगदान देने के लिए मुख्यालय में कहा गया है। और आपको बता दें, जो संजीव हंस पे लगातार ईडी की दबिश थी, ईडी का रेड चल रहा था और कल भी जो उनके जो साले हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके यहाँ ईडी का रेड हुआ था। ईडी के पास बहुत सारे सबूत भी मिल गए हैं और उन्हें ईडी ने सम्मन भेजा है और हो सकता है सम्मन के बाद, पूछताछ के बाद संजीव हंस की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहुत सारे सबूत मिले हैं। और इधर पटना पुलिस ने भी कहें जो रेप कांड में कहें जो पटना के सीनियर एसपी ने केस को ट्रू पाया है, केस को सही साबित कर दिया है। उन्होंने कहा जो केस को एक तरह से ओके कर दिया है और इस दोनों मामलों में कहें संजीव हंस फंसते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरह से कहें जो अब इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इनके पास से जो पुलिस ने जो अपने रिकॉर्ड में जो कहा है, जो रिपोर्ट टू सीनियर एसपी का है, वो एक रेप के मामले में जांच करते हुए वो जब वहां तक पहुंची तफ्तीश तक, तो इनके पास अकूत संपत्ति मिली है। 95 करोड़ रुपए का हरियाणा में, पंजाब में फार्म हाउस मिला है, मर्सिडीज गाड़ी, जो कहा जाता है जो मीटर सप्लायर है, कहें जो स्मार्ट मीटर के जो सप्लायर हैं उनके द्वारा गिफ्ट दी गई है। कई जगह पे इनके निवेश है, हरियाणा में निवेश है, नोएडा में निवेश है, जमीन के कागजात हैं। और इनके जो कहें बिजनेस पार्टनर आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव हैं। गुलाब यादव के भी कई ठिकानों पर रेड हुआ है। पटना के जो उनकी जो पत्नी एमएलसी हैं उनके आवास पे भी रेड हुआ, दिल्ली में रेड हुआ, पुणे में इनके फैक्ट्री पे रेड हुआ, पुणे में इनकी एक फैक्ट्री चलती है। तो गुलाब यादव और संजीव हंस बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर रहते हुए एक तरह से इन्होंने आईएएस उस पद पे रहते हुए उस पद का दुरुपयोग किया। और ये कहें जो रेप कांड का की जांच करते करते पुलिस इनके जो फार्म हाउस है, फैक्ट्री है, मर्सिडीज कार है, वहाँ तक पहुँच गई। जिस दिन संजीव हंस के यहाँ रेड हुआ था, उस दिन संजीव हंस एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिए थे और बंद करने के बाद जब वो नहीं खोले तब पुलिस फोर्स को बुलाया गया, पुलिस फोर्स को ज़बरदस्ती वो कमरा खुलवाया गया। और एक तरह से कहें जो ये नीतीश कुमार के जरूर बहुत करीबी होंगे, इस कारण से नीतीश कुमार ने इनको इतने वर्षों से ऊर्जा विभाग का भार दे रखा था और ऊर्जा विभाग में बहुत सारे काम अभी हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी सरकार कर रही है, सरकार की तरफ से काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से सारा काम ये देख रहे थे और एक लक्ष्य भी दिया गया था जो इतने दिनों में इतने लाख मीटर बिहार में लगाना है। तो इतने लाख मीटर जो अगर आ रहा है तो किसी न किसी कंपनी से आ रहा होगा। तो ये केवल एक बानगी है एक विभाग की। और संजीव हंस अब मतलब कहें जो एक तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये इनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जैसे ही ईडी के कार्यालय से में ये पहुँचेंगे और पूछताछ होगी तो पूछताछ के बाद ये गिरफ्तार किए जा सकते हैं, हिरासत में लिए जा सकते हैं। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। नीतीश कुमार की सरकार ने देर से ही लेकिन एक ऐसा कदम उठाया जो बिहार में जो नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते हैं, करप्शन बर्दाश्त नहीं करते हैं। और करप्शन जब साबित हो गया है तो उसके बाद नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कल रेड हुआ और आज सीएम अपने कार्यालय में बैठे और सबसे पहला निर्णय उन्होंने यही लिया है और ऊर्जा विभाग से इनको हटा दिया गया है। 93 बैच के पदाधिकारी संदीप पौंड्रिक जो ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे, क्योंकि वो उद्योग विभाग के भी प्रधान सचिव हैं, तो संदीप पौंड्रिक के जिम्मे रहेगा अभी ऊर्जा विभाग। और संजीव हंस जो है पूरी तरह से अब कहें जो हंस जो था वो कौवे की चाल था। और गुलाब नाम दोनों हंस और गुलाब, हंस गोरा गुलाब सुगंधित, दोनों ने इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें जो ये और भी कई लोग ईडी के रडार पे हैं, बिहार के कई आईएएस अफसर ईडी के रडार पे हैं। ईडी उनके खिलाफ जाँच कर रही है, जो मेरी जानकारी है ईडी के रडार पे हैं। और इसमें कई सारे और भी जो आईएएस रेडी के रडार पे हैं वो नीतीश कुमार की सरकार में अहम पदों पर पिछले 15 वर्षों से रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
ईडी बिहार में कुछ नया करने को है। हमको लगता है जो एनडीए सरकार जो है दिल्ली में बैठी हुई वो कुछ खेल करने वाली है और उसी खेल के तहत ये सारा, लेकिन खेल क्या, तो सब कुछ पकड़ा गया, सब कुछ सामने आ गया। तो संजीव हंस बुरी तरह से फंस चुके हैं, हट भी चुके हैं और हो सकता है जो आपको एक दो दिन में ये बड़ी खबर मिले जो ईडी इन्हें गिरफ्तार करने जा रही है या हिरासत में ले चुकी है। तब तक के लिए इतना ही और अभी अपडेट्स के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।